गाइस वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। और अभी हम लोग गए थे शॉपिंग करने और शॉपिंग करके अभी हम लोग वापस आए हैं और हम लोग को बहुत ज़ोरदार की भूख लग गई है। घर पे आके देखा तो घर पे खाने में कुछ नहीं था, हमने सोचा कि हम घर पे जाके कुछ हेल्दी ही खाएंगे। वैसे भी कोरोना और ये सब चीज़ें इतनी फैली हुई हैं तो हमने सोचा कि घर पे जाके खाएंगे, घर पे कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चाय और पकौड़ी बनाने, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं उसके साथ साथ अपनी ब्लॉगिंग भी कर लेती हूँ, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। तो चलो फिर चलते हैं, दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। वैसे बहुत अच्छी नहीं बनाती, वैसे नॉर्मली जैसे सब बनाते हैं वैसे ही बनाती हूँ। तो चलो, तो मैं और मेरी कज़न हम दोनों लोग बनाएंगे क्योंकि बाकी सब सोए हुए हैं, तो मैं और रुचि जाके बनाएंगे। सबसे पहले चाय रख देती हूँ पकने को, चाय पकेगी बाकी तैयारी से हम करेंगे। ये मेरी हेल्प करने के लिए आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सब सो गए हैं, हम दोनों ही गए थे शॉपिंग करने तो हम ही दोनों लोग आ गए हैं बनाने क्योंकि हम दोनों को लगी। हाँ ये भी है, भूख भी हम दोनों को ही लगी है। थोड़ी सी हल्दी, नमक पीसा वाला डाल रहे हैं। वो नमक कहाँ है? नमक जो है वो ये है। ये ना मम्मी हमेशा मसाले वाला नमक पीस के रखती हैं, तो हम लोग जब भी ऐसी कोई चीज़ बनाते हैं तो उसमें ये हम मसाले वाला ही नमक डालते हैं, सादा नमक नहीं डालते हैं। एकदम आंसू बहने लगे ना तुम्हारे, सारा प्याज काटा। हाँ प्याज बहुत लग रहा है आपको। तीखा थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ी सी मिर्ची ऊपर डालती हूँ। बेसन चाहिए थोड़ा डालने का। हाँ हल्का सा बेसन भी डालो। और इधर है हमारी चाय, बस दोनों जल्दी से पक जा रहे हैं, बहुत भूख लगी है। चाय भी वही बन ही गई है, बस लड़के जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग की चाय और पकौड़े बन गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं रूम में, एसी में बैठ के खाएंगे पिएंगे। हाँ आराम से। तो जो सोए थे वो सब भी उठ गए हैं। तो अभी मेरा चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है और अभी दोपहर में ना थोड़ी नींद की ज़रूरत होती है, तो मैं सोचूँ कि मैं थोड़ी देर सो लेती हूँ। बाकी इधर मम्मी भी लेटी हुई है मेरे साथ, बाकी सब भी लेटे ही हैं, उधर भाई गेम खेल रहा है। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर उठेंगे, फिर देखते हैं क्या काम करना है। तो सो लेती हूँ थोड़ी देर में। तो मैं सो के उठ गई हूँ और शाम भी हो गई है, तो अभी देखेंगे क्या करना है। वैसे मेरा मोस्टली काम रहता है खाना वाना बनाने का, तो मैं मुझे अब मोस्टली किचन में ही पाओगे। मैं किचन के अलावा कोई काम नहीं करती हूँ घर पे। तो अभी चाय वैसे मैं नहीं बनाती हूँ, आप लोगों को बता दूँ सुबह की चाय मेरी बहन बनाती है और शाम की चाय भी मेरी बहन बनाती है। मैं सिर्फ खाना वाना वगैरह बनाती हूँ किचन में, चाय वाय मैं नहीं बनाती। बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस में मैं चाय बनाती हूँ घर पे। तो खाना बनाएंगे तब वो चलेंगे। जैसे मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मुझे अभी भी नींद आ रही है।
रुचि देखो अभी भी सोई है, मैं उड़ गई थी क्योंकि पता नहीं अजीब सा लग रहा था, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही थी मेरे को। कटल आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? ओए कटल बाल जोड़ो बाल जोड़ो बाल जोड़ो बाल जोड़ो, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है? पिट्टी करूँगी पिट्टी करूँगी मैं पिट्टी करूँगी पिट्टी करूँगी पिट्टी करूँगी। क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? कटल मेरा फिर से खाना बनाने का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और आज हम बनाएंगे कढ़ी चावल रोटी बनेगा। तो बस मैंने सारी तैयारी करके रख दी है और बस बनाने ही जा रही हूँ, तो मैं फटाफट ये ख़त्म कर लेती हूँ। पहले मैं कढ़ी को तड़का लगाने के लिए राई, कढ़ी पत्ता और मेथी और लाल मिर्च यूज़ करती हूँ। साथ में मैंने बेसन में हल्दी और नमक डाल के अच्छे से फेंट लिया था, तो इसी को हम बनाएंगे। जब तक कढ़ी बनेगी तब तक हम चावल भी बना लेते हैं, और चावल में मैं हमेशा घी, तेज़पत्ता, लौंग डाल देती हूँ, उससे की खुशबू भी अच्छी सी हो जाती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो नॉर्मल चावल भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो ये कढ़ी भी बन गई है, गैस को बंद करके हम दही डालते हैं सबसे लास्ट में, इससे कढ़ी फटती नहीं है। अगर बीच में डाल देते हैं तो कढ़ी फट जाती है, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में ही डालती हूँ दही। बहुत लोग दही पहले डाल देते हैं, फेंटने में ही डाल देते हैं, दही में ही फेंटते हैं, लेकिन हम नहीं फेंटते हैं, सबसे बाद में दही डालते हैं इसमें। तो ये इधर हमारा खाना चावल और कढ़ी सब बन गया है, ये रही हमारी रोटियाँ। हो गया भैया मेरा शाम का काम, तो बस इतना ही काम रहता है मुझे शाम को। तो अभी मेरा खाना पीना हो गया और सब सो गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं पढ़ लेती हूँ। ये रही मेरी स्टडी टेबल और ये रहा मेरा दूध, तो मैं पहले इसको ख़त्म करूँगी फिर उसके बाद अपना पढ़ाई। तो आप लोग भी जाओ, मैं भी जा रही हूँ पढ़ने। सो बाय बाय, गुड नाइट।